हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मिनी लेजर प्रोजेक्टेड लाइट लाया हूं। इससे पहले मैंने इस मिनी लेजर प्रोजेक्टेड लाइट की अनबॉक्सिंग और पूरी रिव्यू करके दिखाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे पूरी वीडियो को देख लेना। आज मैं इस वीडियो में इस लाइट को खोल के दिखाऊंगा जो इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, और आपको पूरा इसमें डिटेल में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस लाइट को जल्द से जल्द खोल देता हूँ। तो ये मैं पेज कर सकता, तो मैं इसके पहले स्क्रू खोल देता हूँ। पहले मैं इसके स्टैंड को निकाल देता हूँ बाहर। अब मैं यहाँ के भी स्क्रू निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड, हमारे स्कूल खुल चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर के ढक्कन को निकालता हूँ। तो फ्रेंड, हमारी ढक्कन हट चुकी है, तो आप सामने से देख सकते हो साफ साफ कि इसमें क्या 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 है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे ग्रीन कलर का लेंस हैगा, और ये हमारे रेड कलर का हैगा, और ये इसमें बटन दे रखी है, और ये इसका पंखा है, और ये इसका ट्रांसफार्मर, और ये इसकी ये इसका लेंस है। इसकी ये लेंस यहाँ पे शीशे पे पड़ती है, और ये रेड कलर का जो लेंस हैगा वो इसकी लाइट यहाँ पे शीशे पे पड़ती है, क्योंकि यहाँ से दिख जाती है। और ये इसमें एक मोटर दिया गया है। चलिए मैं इस लेंस को खोल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें इसका ये लेंस बहुत सावधानी से निकालना होगा, नहीं तो इसके कोई तार टूट जाएंगे। तो ये ग्रीन कलर की लाइट है, कि जो लाइट का लेंस है इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है, जो कि ये हमारे लेंस दिख रहा है। अब मैं इसे खोलता हूँ। तो ये हमारे ग्रीन कलर का जो लाइट है, ये ग्रीन कलर का बल्ब लगा हुआ है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, बिजली से कनेक्ट करके देखता हूँ कि कैसा दिखता है। हमें चलिए कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा करंट भी आ सकता है, हमें बहुत सावधानी रहना, थोड़ा सावधानी हमें रखना होगा इसमें। पता नहीं कहाँ से करंट आ रहा है इसमें, तो हमें बहुत सावधानी से पकड़ के रखना है इसमें। तो ये तो हमारा ग्रीन कलर ही है जो मैंने आपको बताया था। आपको बिना लेंस का तो ये ऐसे बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल एक तरफ ही लाइट आएगा। जब मैं इसे लेंस लगा दूंगा तो ये आपको दिखेगा, तो ये बिल्कुल बिल्कुल बारीक सी लेंस पूरी दूर तक लेके जाएगी, कम से कम 1-2 किलोमीटर तक तो ले जाएगी। अभी आप हटा दोगे तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ये फैलाएगी। तो चलिए मैं इस लाइट को वैसे ही वापस जोड़ दे के आपको फिर पूरा अच्छे से दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। मैंने इसे लगा दिया है, मैं इसे वापस लगा देता हूँ। बहुत संभल के लगाना है, तार नहीं टूटना चाहिए। अगर तार टूट गया तो ये पूरी ख़राब हो जाएगी लाइट।
लेकिन फ्रेंड्स अभी इसमें क्लीन करने की लाइट आई नहीं है क्योंकि अभी मैंने इसे वो स्क्रू से टाइट नहीं किया है। इसे मैं पहले स्क्रू से टाइट कर देता हूँ, फिर ये आराम से आएगी। फ्रेंड्स अब ये ग्रीन और रेड दोनों आ चुकी हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करती है। ये ग्रीन कलर की लाइट इधर जो कि शीशा लगा हुआ है, यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, क्योंकि ये ग्रीन कलर की लेजर लाइट इस पर सीधा जाती है, फिर इसके माध्यम से सामने जाती है, और फिर ये जो रेड कलर की लाइट है ये रेड कलर भी इस शीशे पर जाती है, फिर इस शीशे से अंदर को जाती है। इस अंदर से अभी आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, पर यकीन मानो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। इसके कंट्रोल है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको इस लाइट के बारे में पूरी अच्छे से टेस्टिंग आपको देखनी है पूरी कैसा वर्क करती है, तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया था, आप वहां से इसे पूरी देख लेना, एक ही चीज़ मैंने बताई है आपको। और फ्रेंड्स देखना ध्यान से, इसके ये राउंड कर लिए घूम रही है जो कि ये मोटर घुमा रहा है इसको, देखो ध्यान से ये घूम रहा है। ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि मैंने इसे घुमाया है, तो तभी ये लाइट घूम रही है। तो मैंने इसको अब रोक दिया, तो ये पूरी जो राउंड करना बंद कर दिया इसने, और मैं इसे वापस घुमाता हूँ तो ये वापस घूम रही है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।